हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, और ये रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वो बहुत समय बाद हो रही है। लास्ट मैंने कब की थी मुझे याद नहीं है। तो एक पिक अ पाइल रीडिंग है ये, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे आपके पर्सन। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, ये क्या हैंड रिटन मैसेजेस हैं आपके लिए, हम ये भी देखेंगे। तो कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, और ये रीडिंग फिर भी जनरल है, कलेक्टिव एक तरह से ही है, क्योंकि सभी के लिए है। ओके, और जनरल है क्योंकि इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा आप भी, और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, और सभी जोडियक साइंस के लिए है। चाहे आपका या आपके पर्सन का कोई भी जोडियक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है व्यूअर्स कि आपको इन दोनों में से एक चार्म चूज़ करना है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चार्म हम चूज़ करते हैं या जो पाइल हम चूज़ करते हैं, उसकी रीडिंग हमारे साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करती है, पर काफ़ी हद तक लगता है कि हमारे लिए नहीं है। तो कभी कभी होता है कि गलती से, मिस्टेक से, या कह सकते हैं कि रैंडमली चूज़ करने की वजह से हम वो वाला पाइल चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारे लिए मैसेजेस नहीं है। इसीलिए फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कि हो सकता है आपके लिए मैसेजेस एक दूसरे पाइल में भी हों, तो इसीलिए आप दूसरा पाइल देख लीजिएगा। अगर पहले ही जो पाइल आपने चूज़ किया है, अगर वो रीडिंग आपके साथ एज इट इज़ रेजोनेट कर रही है, तो चाहे दूसरा पाइल मत चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ मेल नहीं खाती मेरी सिचुएशन से, देन डेफिनेटली दूसरे पाइल की रीडिंग को भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बस इतना ही बताना था। ओके, और ये जो दोनों कार्ड्स रखे हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। जैसे ही आप पाइल चूज़ करेंगे, सबसे पहले हम मैसेजेस भी चेक करेंगे कि कल रात वह कैसा फील कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, तो मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, उससे पहले मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये केज है, एक पिंजरा जैसा है, देख सकते हैं आप। ओके, एक पिंजरा है यहाँ पे। तो ये पाइल नंबर वन है, और ये जो व्हील है यहाँ पे, ओके, ये व्हील जैसा है। तो ये जो है, ये है पाइल नंबर टू। ओके, तो आप इसको चूज कर लीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है, ये पाइल नंबर वन है। हम देखते हैं इसका मैसेज क्या है। सबसे पहले द मैसेज इज आई नीड यू। इफ यू कैन सी द मैसेज हियर क्लियरली, द मैसेज इज आई नीड यू। ओके, तो आई नीड यू का मैसेज व्यूअर्स यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि कल रात इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। दे फेल्ट लाइक कि उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है अपने जीवन में। कल रात उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो आपके बिना कैसे रह सकते हैं, या उन्हें आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा फील हुआ। ओके व्यूअर्स, यस, तो आइए हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी ज़रूरत है व्यूअर्स, आपके बिना उनके जीवन में कुछ कमी है, इसीलिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। टू बी हैप्पी, टू फील सेटिस्फाइड, टू फील इमोशनली फुलफिल्ड, उन्हें आपकी ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, एंड द थर्ड कार्ड इज ऑफ द लवर्स। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बात है जो लवर्स का कार्ड आया है। ओके, एंड देन वी हैव दिस हर्मिट कार्ड। इंटरेस्टिंग, सारे ही कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट मी अरेंज देम। ओके, नाइस। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स कि क्यों ये मैसेज है यहाँ पर। एक तो आपने ये चूज़ किया है, जो केज है या पिंजरा है, ये आपने चूज़ किया है। इससे ये भी पता लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो किसी सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं। ओके, और वहाँ पर मैसेज भी जो है वो ये है, आई नीड यू, तो उन्हें आपकी ज़रूरत है। और जो कार्ड्स में निकल कर आया है, वहाँ से ऐसा लगता है व्यूअर्स, दे फील कि आप उनको छोड़कर जा चुके हैं, या आपने जाने का डिसाइड कर लिया। व्हाई एम आई सेइंग दैट,
हो सकता है कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप डिजर्व करते थे, या फिर बहुत बेसिक जो होता है, या फिर जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे, डिज़ायर थे, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बेसिक रिस्पेक्ट जो होती है, रिस्पेक्ट है, केयर है, अटेंशन है, या कहीं ना कहीं यू नो अफेक्शन शो करना है, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करना है, या कुछ भी, यू नो आपको वो सब चीज़ें वहाँ दिखी नहीं, इट वॉज नॉट विजिबल. तो आपको ऐसा लगा कि ये जो कप्स हैं सारे ये खाली हैं, ये आपको कुछ भी सर्व नहीं करते, देर इज़ नथिंग इन दीज कप्स फॉर यू, आपके लिए कुछ है ही नहीं, इट इज़ ऑल एम्प्टी. तो क्या करेंगे आप यहाँ पर रुके, यू जस्ट मूविंग बैकवर्ड्स. आप देखिए कैसे यहाँ इस तरफ नहीं देख रहे हैं जहाँ कप्स रखे हैं, यू लुकिंग टू द लुकिंग इन अनदर साइड और इन अनदर डायरेक्शन. तो आप ऐसे बैकवर्ड जा रहे हैं और यू नो उनसे मुंह मोड़ कर जा रहे हैं. इस टाइप का वो कल रात फील कर रहे थे कि आप उनको छोड़कर जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ऐसा ही कर रहे हैं करेंटली, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है. दे नो दैट दे नीड यू. ओके व्यूअर्स, या तो यहाँ पर व्यूअर्स उनको ऐसा लगता है कि वो आपको वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पाए जो आप डिज़र्व करते थे या एक्सपेक्ट करते थे, या फिर शायद आपकी वो इच्छाएं थी तो वो सब नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपके पर्सन भी ये बात जानते हैं कि वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, और शायद ऐसा चैनल भी हो रहा है जैसे वो कल रात सोच रहे हो, आई एम अनेबल टू प्रोवाइड यू व्हाट यू वांट और आई एम अनेबल टू गिव यू व्हाट यू एक्सपेक्ट. मैं आपको वो सब देने में असमर्थ हूँ जो आप चाहते हैं, या मैं वो सब करने में असमर्थ हूँ जो आप चाहते हैं. वाई? बिकॉज आई एम स्टक, देयर इज अ केज, बिकॉज आई एम स्टक समवेयर, आई कैन नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, आई कैन नॉट डू What you want. तो आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इस वजह से अगर आप जा रहे हैं तो मैं कैसे करूँ, मैं यू नो आई एम इनकेपेबल और आई एम स्टक समवेयर, ऐसा वो बोल रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, क्योंकि आप चले गए हैं और क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, इससे पता लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, और बहुत ही वीक और वल्नरेबल फील कर रहे हैं अंदर से. दे आर नॉट फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको ज़रूरत है आपकी, काश आप साथ होते तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता, थोड़ी उनके अंदर हिम्मत होती कुछ करने की, इस स्टक सिचुएशन से बाहर आने की, या अपने लिए कोई स्टेप लेने की उनके अंदर हिम्मत आती अगर आप उनके साथ होते, अगर आप उनके साथ होते, या आपका सपोर्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट उनके साथ होता, तो शायद वो यू नो अपनी लिमिट से बाहर जाके कुछ कर पाते, या कहीं ना कहीं एक यू नो एक लिमिट क्रॉस करके कुछ कर पाते. लेकिन आपका साथ नहीं है, इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस, इनका स्ट्रेंथ सब लो है. कल रात भी इस तरह की बात सोच रहे थे और कल रात भी बहुत ही वीक और वल्नरेबल फील कर रहे थे. साथ ही साथ लवर्स का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है. कहीं ना कहीं व्यूअर्स यही कार्ड है जो बताता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम है. ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी जन्म में आप मिले हैं, इससे पहले भी किसी जन्म में या पिछले जन्म में किसी और लाइफ टाइम में आप लोग एक साथ रह चुके हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, किसी कनेक्शन में रह चुके हैं. आपका रिश्ता पहले से है, विच मीन्स ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, केवल शरीर तक का नहीं रहा है कि शरीर खत्म तो रिश्ता खत्म. आपकी आत्मा का रिश्ता बहुत पहले से रहा है. तो हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कपल हैं, देर आर चांसेस, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है. और जब लवर्स का कार्ड आता है तो पता लगता है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड या डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है. ओके, ये बहुत डेस्टाइंड कनेक्शन है, तो लगता है कि डेफिनेटली किस्मत से और डिवाइन इंटरवेंशन से ही आप लोग मिले हैं, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लवर्स तो आप ऑलरेडी हैं, आप दोनों के जो सोल्स हैं वो लवर्स हैं ऑलरेडी. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लवर्स बनना पड़ेगा, एक कपल बनना पड़ेगा, यू आर ऑलरेडी अ कपल. अगर आपके सोल को देखें तो ये जो आत्माएं हैं वो ऑलरेडी एक कपल हैं आप दोनों. तो सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और ये जो प्यार है या ये जो अट्रैक्शन है या ये जो कनेक्शन है ये पुराना है, बहुत पुराना है. ओके, या साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो वीक और वल्नरेबल भी फील कर रहे थे, इसीलिए कल रात अकेले ही बैठे थे. हर्मिट का कार्ड है, अकेले ही बैठे थे और अकेले ही उधेड़ बुन में लगे थे. उधेड़ बुन एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि अपने आप ही बातें अज्यूम करना, फिर अपने आप ही उनका सोल्यूशन और कंक्लूजन निकालना, फिर डाउट क्रिएट करना, फिर अपने आप ही उसका आंसर निकालना, यानी कि किसी कपड़े को उधेड़ते रहना और फिर से सिलते रहना, फिर से उधेड़ते रहना, फिर से सिलते रहना, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. यहाँ पर भी कल रात ही देर रात तक जागते रहे ऐसा लगता है, जैसे इन्होंने
देर रात तक बस चिंतन ही चिंतन किया है, विचार ही विचार किया है और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे फेक सिनेरियोज अज्यूम किए हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी इमेजिन कर ली, जिसे कहते हैं बुरे ख्याल आना, बहुत सारी अच्छी बातें भी इमेजिन कर ली, कंक्लूजन भी निकाल लिया, पॉसिबिलिटीज भी निकाल ली, क्या पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी भी देख ली, सब देख लिया, एंड इट इज़ ऑल इन देयर थिंकिंग, इट इज़ ऑल इन देयर माइंड। कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके दिमाग में है। और वो लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यूअर्स कल रात वो बहुत अकेला फील कर रहे थे, इस वजह से भी ये मैसेज यहाँ मिला हो सकता है कि दे नीड यू। तो कल रात बहुत अकेला फील कर रहे थे, बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी आपकी, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी हिल गया है। और व्यूअर्स ऐसा अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो सकता है, क्योंकि जब सोल्स कनेक्टेड होते हैं ना, तो जब दूसरा पार्टनर किसी तरह से रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, तो उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो दूसरे पर्सन पर भी देखने को मिल सकता है, उसकी एनर्जी पर भी, कि वो अचानक सैड क्यों है, वो अचानक डिस्टर्ब्ड क्यों है, वो दूसरे पर भी असर दिखता है अगर आप स्पिरिचुअली जुड़े रहते हैं। तो व्यूअर्स अगर ये इस तरह से कहीं ना कहीं दुखी हो रहे थे, या कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे थे, वीक फील कर रहे थे, तो उस चीज़ का आभास कहीं ना कहीं आपको भी कल रात हुआ होगा। या आइए चलिए देखते हैं कि उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एम हो सकता है उनके नाम में, डी हो सकता है, ए हो सकता है, ए एंड ई हो सकता है, सॉरी एफ, इट इज नॉट ई, एफ ए एम डी एक्स जे जेड पी। ओके, तो पी जेड जे एक्स एफ ए एम डी। वैसे मुझे यहाँ मैड नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कोई किसी से गुस्सा है या कोई किसी से नाराज़ है। ये व्यूअर्स आप इनसे नाराज़ लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जिस तरह से आप डिसअपॉइंटेड होकर गए हैं, ऐसा लगता है आप ही नाराज़ हैं। यस, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग पाइल वन की। आइए चलिए देखते हैं कि पाइल टू में क्या मैसेजेस है। अगर ये रीडिंग जो है पाइल वन की अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपके सिचुएशन के साथ रिलेट कर रही है, तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड पाइल की रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर सेकंड पाइल की तरफ बढ़ते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है ऑप्शन टू, पाइल टू, ये जो आपने चूज़ किया था, ये व्हील। ओके, तो यहाँ पर ये व्हील है, साथ ही साथ देखते हैं कि इसमें मैसेज क्या था आपके लिए। आई थिंक यू आर लीविंग मी बिहाइंड, दोज यू कैन सी। ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट की वजह से शायद ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट हाँ, मैसेज लिखा है आई थिंक यू आर लीविंग मी बिहाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, मुझे आपने पीछे कहीं छोड़ दिया है, पीछे कहीं भुला दिया है आपने अपने जीवन में मुझे, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। थोड़ा सिमिलर सा मैसेज है फर्स्ट रीडिंग से, लेकिन हाँ, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में भी इस तरह की बात आई थी, और ये यहाँ पर भी मैसेज है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और फर्स्ट रीडिंग में भी कुछ ऐसी ही बात थी कि जैसे आप छोड़कर इनको कहीं जा रहे हो और या फिर मूव ऑन कर रहे हो, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर आप चाहें तो पाइल वन की रीडिंग चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। And then we have Queen of Wands, Empress. Let's take one more card. I need one card. Hey. So, no, I have to shuffle again. I thought it is just one card. Hey, it popped out and it is Page of Wands. Interesting. So yeah, Page of Wands and the Temperance and Queen of Wands and Eight of Pentacles. तो व्यूअर्स यहाँ पर ये जो मैसेज आपने देखा वो, और ये जो आपने व्हील चूज किया है, समवेयर व्यूअर्स ये बताता है कि इट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, और इट इज All about what is written in the destiny. किस्मत में क्या है, ये भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये किस्मत कब आपको करीब लाती है, कब आपको अलग कर देती है, इट इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी, कि आप कब किससे मिलते हो और कब किससे बिछड़ते हो। ओके, तो यहाँ पर डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मुझे ऐसा लगता है, और
कहीं ना कहीं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या बात नहीं होती है, या कम होती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये डेस्टिनी की वजह से हो रहा है. क्यों? क्योंकि ऐसे साइकल्स, ऐसे कार्मिक साइकल्स, ऐसे कार्मिक फेजेस आते हैं लाइफ में. ओके और वो हमें हमारा कर्मा सर्व किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास्ट कर्म का रिजल्ट होता है. ये वॉट एवर वी हैव डन इन अवर पास्ट लाइफ उसी को हम फेस करते हैं, तो वो इसीलिए कार्मिक साइकल्स हमारे लाइफ में आते हैं. तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके और आपके पर्सन के लाइफ में भी इस तरह की कोई कार्मिक साइकिल या कोई ऐसा टफ फेज चल रहा है. रीडिंग में व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं योर पर्सन इज ट्राइंग टू लुक बिजी और देयर प्रिटेंडिंग दे आर बिजी. हो सकता है कि आपके पर्सन बिजी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी नहीं है कि वो 2 घंटे के काम को 5 घंटे में करेंगे या 5 घंटे के काम को पूरे दिन में करेंगे. ऐसा लगता है कि कुछ तो वो बिजी हैं और कुछ वो उस चीज़ को स्ट्रेच करते हैं अपने आप को बिजी दिखाने के लिए. दे आर बिजी बट नॉट दैट. हो सकते हैं बिजी, लेकिन इतने भी बिजी नहीं है जितना वो प्रिटेंड कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना एम्बिशियस है अपने लाइफ में, गोल्स के लिए, करियर के लिए, और कल रात भी कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत फर्क पड़ रहा था इस बात का कि वो आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनका जो दूसरा गोल है लाइफ को लेके उसके पीछे तो वो प्रॉपरली जा रहे हैं, लेकिन जो उनका प्यार है वो उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्यार को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं. तो उनको इस चीज़ की जो तकलीफ है वो कल अंदर से महसूस हो रही थी, बट उन्होंने प्रिटेंड फिर भी यही किया कि वो तो बिजी हैं और उनके पास टाइम नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए, या इन सब बातों को सोच के गिल्टी फील करने के लिए या सैड फील करने के लिए समय कहाँ है, ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया है. कल रात भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे जैसे मुझे अभी तो ये करना है, मुझे सोने से पहले ये काम करना है, वो करना है, दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग, या फिर कहना दूसरों से कह रहे मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है एंड ऑल दैट. तो अगर इन्होंने कल रात फ्रेंड्स से बात की है या वॉट एवर दे हैव डन, इन्होंने अपने आप को बिजी दिखाया है. ओके और कहीं ना कहीं ये ऐसे ज़्यादा यू नो अपने आप को ज़्यादा दिखा रहे हैं कि मुझे करियर से बहुत मतलब है, मुझे मनी मेकिंग से बहुत मतलब है, मुझे ना अपने सक्सेसफुल होने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है. यानी कि वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में अपने करियर गोल्स या सक्सेस के पीछे भाग रहा हूँ. किसी को भी ऐसा ना लगे, आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनल फूल बन रहे हैं, ऐसे सो कॉल्ड फूल. तो वो नहीं चाहते कि ऐसी उनकी इमेज बने, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग दैट. लेकिन अंदर ही अंदर कल रात आपके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे. ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई फोटो उन्होंने देखी, ऑफकोर्स बहुत देर तक स्टेयर तो नहीं की है फोटो, बट लुक्स लाइक के जैसे सोशल मीडिया पर आपकी फोटो उन्होंने देख ली यहाँ वहाँ, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ उन्होंने आपकी फोटो देख ली, या उनके फ़ोन में ही अगर आपकी कोई फोटो है तो वो फोटो उन्होंने यूं ही देखी, और देखने के बाद दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, दे फेल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. तो कल रात उन्हें आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि आप हो कितने ब्यूटिफुल, हो कितने गुड लुकिंग, कितनी चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, कितनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, कितनी कह सकते हैं कि ब्यूटिफुल पर्सनालिटी है. तो कहीं ना कहीं आपके लुक्स हो सकते हैं व्यूअर्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका फैशन सेंस हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है आपकी पर्सनालिटी में जो ये कितना भी प्रिटेंड करें दूसरी चीज़ों के बारे में, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है. और इसके लिए आपको एफर्ट नहीं लेना पड़ता, इट हैपन्स नेचुरली. क्यों? क्योंकि आपको वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग समझते हैं. कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं करते हैं चेहरे पे आपके, यानी मुंह पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ना ही दूसरे लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय में कि आप कितने अच्छे दिखते हो, बट दे नो कि आप कितने अच्छे दिखते हो. और वो इस चीज़ को बोल बोल कर अपने आप को यू नो अपने आप को आपका फ़ैन, या कहीं ना कहीं अपने आप को आपका एक यू नो लव अ गर्ल लव अ बॉय दिखाना नहीं चाहते, सो दे डोंट मेंशन दैट. बट कल रात भी वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर लुक्स. ये तो साफ साफ बोलूँगी, इसमें कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ. आपके लुक्स की वजह से या वॉट एवर इट इज़ इन योर पर्सनैलिटी, दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, वो उसकी तरफ बहुत आकर्षित है. यहाँ पर व्यूवर्स वो आपको जब देखते हैं या आपकी तस्वीर को देखते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है जैसे आप कहीं की किंग हैं या कहीं की क्वीन हैं, विदाउट अ क्राउन. सो किंग विदाउट अ क्राउन और क्वीन विदाउट अ क्राउन, ऐसे. ओके यू हैव यू आर वेयरिंग दिस इनविजिबल क्राउन ऑन योर हेड.
it is a blessing that you are wearing this invisible crown. Otherwise, you know, that visible crown is a very heavy thing to wear on your head. Okay, that's something different. Okay, don't laugh on that. I know it wasn't funny. Leave it. यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स, जैसे कल रात उन्होंने अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश की है, जैसे कि मैं मेडिटेट कर लेता हूँ सोने से पहले, या फिर मुझे यू नो पीसफुल रहना चाहिए, थोड़ा सा मुझे अपनी हीलिंग पर, सेल्फ लव पर, या अपने आप के मन की शांति पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे थोड़ा योगा कर लेना चाहिए, या मुझे मेडिटेशन कर लेना चाहिए, मुझे बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, ऐसी बुक्स जो मुझे अच्छा फील करवाएं, या मुझे कुछ ऐसी सीरीज देखनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो, या मुझे कुछ ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए जिसकी वजह से मैं रिलैक्स्ड हो जाऊं। तो कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से एफर्ट लिया है कि मैं पीसफुल रहूं, हील्ड रहूं, रिलैक्स्ड रहूं। क्यों? क्योंकि है नहीं अंदर से आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बाहर से दिखाते हैं आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस। और लेकिन जब ये दो चीज़ें अंदर बाहर की एक जैसी नहीं होती, इंसान अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, और उन दो चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाता है, तब उसको ज़रूरत पड़ती है मन की शांति रखने की, कि अब मैं मन शांत कैसे रखूं, क्योंकि फिर विचलित होते हैं लोग। तो उन्होंने ऐसा लगता है जैसे कल अपने आप को शांत रखने के लिए कोई तो एक्टिविटी करी है कल रात, जैसे गाने सुनना या कुछ ऐसा कॉमेडी मूवी देखना, कुछ देखना, कुछ ऐसा किया है जिससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए, यू नो स्टैंड अप कॉमेडीज देखना, वट एवर इट इज, जो भी है, लेकिन अपना माइंड रिलैक्स रखने का बहुत ट्राई किया है कल रात, ऐसा लगता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, आई वुड से दिस पर्सन इज बिहेविंग वेरी इमेच्योर, इनके दिल में है उसको एक्सेप्ट करके जुबान पर नहीं लाते हैं, और जो दिखाते हैं या बोलते हैं वो रियलिटी नहीं है, अपने आप ही अपने अंतर मन में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि बातों को एक्सेप्ट करके एक्सप्रेस भी कर पाएं। ओके, वॉट एवर इट इज, चाहे जैसा भी है प्यार तो है, नहीं है तो नहीं है, तो वो चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा यू नो मेच्योरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इमेच्योरिटी की वजह से मुझे ऐसा दिखाना है, मुझे वैसा दिखाना है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, मुझे तो यू नो अपने करियर के पीछे जाना चाहिए, ये प्यार व्यार क्या होता है, फिर अट्रैक्टेड भी फील करना, यू नो, और फिर मन की शांति बनी रहे इस बारे में ट्राई करना। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर स्ट्रीट वेंडर्स आउटसाइड, तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बाहर, तो उनके आवाज़ को इग्नोर करिए बिल्कुल, पूरी तरह से मेरी आवाज़ पे फोकस करिए। ये जनरली लोग कंप्लेन करते हैं आपके ना वीडियो में साउंड ही नहीं आता, आपकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आती है, ऐसा लगता है आप कहीं दूर से बोल रहे हो, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़ हो या आसपास कोई भी नॉइस हो वो मेरे वीडियो में एकदम क्लियरली आता है, क्योंकि वो मैं भी सुन पाती हूँ। दैट इज़ अनफेयर, ओके, जस्ट लिसन टू माई वॉइस, ओके। तो इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, उनको नहीं पता कैसे रिएक्ट करें, कैसे अपने रिएक्शन को, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करें, इट इज़ जस्ट द ब्लंडर, इट इज़ जस्ट द केओस, इट इज़ जस्ट द मेस, ओके, द मेस इज़ ऑल अराउंड। तो ये पूरा उन्होंने क्या कहते हैं गुचुड़ मुचुड़ कर दिया है, और गुचुड़ मुचुड़ फीलिंग्स का कर दिया है, इस वजह से आप कन्फ्यूज़ हो गए हो, वॉट दिस पर्सन वॉन्ट, आपको नहीं समझ आता इस इंसान को चाहिए क्या, इस वजह से आप कन्फ्यूज़ हो। सो दिस वॉज द रीडिंग, और ये वो कल रात सोच रहे थे, ये चले देखते हैं उनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। काफ़ी सारे अल्फाबेट्स आ गए हैं यार, ये फर्स्ट रीडिंग में इतने अल्फाबेट्स नहीं थे, इस वाले में कुछ ज़्यादा हैं, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से रेजोनेट कर सकती है। एन आई, ओके, सो इट्स एन आर J M F H H V Z S W P T, ये तो काफी सारे अल्फाबेट्स हैं, T S Z V H F M J R P I N W, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं, क्या पता पूरा ही नाम आ गया हो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। तो यस व्यूअर्स, वट एवर इज़ हैपनिंग, जो भी केओस और जो भी मेसी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच, जो भी ये हो गया है, ये
डेस्टिनी की वजह से हो रहा है बिकॉज ये फेज डेस्टिनी में लिखा है कि ऐसा अप्स एंड डाउन्स होंगे. ओके, तो डेस्टिनी पर ही छोड़ दीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो. दिस वॉज द रीडिंग. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय. ओके, और अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रही है इतना, तो आप फर्स्ट पाइल चेक कर लीजिएगा. बाय बाय.